जींद के लोगों को ठग लिया उन्होंने। तो आप कह रहे हो जींद से आगाज करेंगे, मैं तो ऐसा नहीं होगी कि जींद के लोग फिर से ठगाव महसूस करें? बिल्कुल आपका सवाल मैं 100% दम मानता हूँ, मुझे उसी विश्वास को जगाना है, क्योंकि उस विश्वास को मैं तब जगा पाऊंगा कि मेरी बातों में सच्चाई और विश्वास है उनको। क्योंकि आज जिस प्रकार से मैं तो आज वो तो कुछ भी नहीं थे, मैं तो आज इसके अंदर बैठा हूँ, महम की जनता ने मुझे, बहादुर जनता ने मुझे विधानसभा में विधायक बना के भेजा है। उस सत्ता का अगर मुझे भोग करना होता तो मैं अभी कर लेता, वो लूट अभी बन के दिखा देता। मैं मंत्री आज भी मुझे बनाने को तैयार है, पिछले 2 साल से मुझे बनाने को तैयार है भाजपा के लोग, मैं यहाँ माड़ कमा लेता। इस बात को, ये सब चीज़ें इस प्रदेश के लोगों को और जींद के लोगों को नज़र आ रही हैं, और वही सच्चाई और मेरी दृढ़ता और लोगों के प्रति जो मेरा एक जनसेवा का मेरे अंदर आत्मा का जो भाव है वो उनको नज़र आ रहा है, वही ताकत है मेरे साथ, और वही ताकत जो है ना उनका विश्वास जीतने में मेरे साथ खड़ी मिले। भविष्य का प्लान है कि याद हरियाणा को फिर नापा जाए? देखिए मैंने आज बिल्कुल आपने दुरुस्त बोला, अभी मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है मैंने प्लान किया है, अभी मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज जा रहा हूँ, उसके बाद हल्के वाइज जाऊँगा। मैं अब यात्रा की तो नहीं करता क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, और यात्रा अगर मैं यात्रा करूँगा तो ना तो लोगों को जोड़ पाऊँगा, मैंने वहाँ से अच्छे लोगों का, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों को इकट्ठा करके बहुत जल्द जो है हम जो है चंडीगढ़ से आपको एक और संदेश देंगे जल्दी आने वाले समय में, अगले महीने के अंदर। तो उस मुहिम पे मैं निकला हुआ हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर विधानसभा लेवल पे हम उस मुहिम को चलाए हुए हैं। आने वाले अगले नेक्स्ट वीक में हम अपना संगठन की भी जो घोषणा करेंगे जिला स्तर पर, उसको जो ना संगठन को अनाउंस करेंगे, आगे उस पर काम शुरू करेंगे, क्योंकि बगैर संगठन के तो कुछ आगे हो नहीं सकता ना। अकेला जो आपने कहा था तो अकेला मैं, उसके लिए मुझे पूरी टीम जो मेरी बहुत संकर्प संग मेरे संपर्क में आकर वो तैयार हो चुकी, उसकी घोषणा सभी साथियों साथ मिलकर और बहुत जल्द उस टीम की घोषणा करेंगे और आगे लोगों के बीच में।